क्लास सातवीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि आज आपको इतिहास विषय, जो कि आपका सोशल साइंस के अंतर्गत आता है, तो इतिहास विषय का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी हम औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वह है नए राजा और राज्य। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नए राजा और राज्य। तो इसके पहले आप चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 से काफी कुछ चैप्टर नंबर 2 जो है वो कोरिलेट करता है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 1 को भूलना नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई के क्रम में जब आप वीडियो को आप देख रहे होते हैं तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स आपके पास टेक्स्ट बुक का होना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास टेक्स्ट बुक का होना जरूरी है। तो आप ख्याल कीजिएगा कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वह पेज नंबर 13 पे है। आपका चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 13 पे है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना पेज नंबर 13 को खोल लीजिए और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपके समक्ष चैप्टर नंबर 2 देखिए सामने है और इस चैप्टर नंबर 2 को आप खोल चुके होंगे निश्चित रूप से। तो अब आप इसमें देखिए कि इसमें कौन सा प्रसंग है और कौन सा घटनाक्रम है जिसका अध्ययन हमें इतिहास के अंतर्गत करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा का मतलब स्टैंडर्ड 6 में है ना। पिछली कक्षा में आपने हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में पढ़ा। सातवीं शताब्दी में हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में अनेक नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, सातवीं शताब्दी में हर्ष की मृत्यु के बाद, हर्ष यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में अनेक नई शक्तियों का उदय हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर्षवर्धन के बारे में स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग इसको मेमोरी रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से थोड़ा सा जानकारी हम लोग अपना अपडेट कर लेते हैं, तब हमें ये चैप्टर को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके समक्ष जो है हर्षवर्धन का जो साम्राज्य है उसका एक स्केच हमने तैयार किया हुआ है। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन का साम्राज्य है ना। तो इसमें आप जान लीजिए हर्षवर्धन का कुछ डिटेल्स। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। किस वंश का? पुष्यभूति वंश। ठीक है स्टूडेंट्स, परिस्थितिवश उसे अपनी राजधानी थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है, वहां से कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश, जो कि कानपुर के निकट है वह कन्नौज, वहां बनाना पड़ा था। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, ये समूचे भारत की का नक्शा है, पूरे भारत का ये मैप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर्षवर्धन जब राजा हुए तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, ये देखिए यहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थानेश्वर जो है आज के जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र नाम का एक स्थान है, वहां पे ये थानेश्वर आज भी है। या यूं कहें स्टूडेंट्स कि थानेश्वर जो है वो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है, या कुरुक्षेत्र शहर का जो पुराना जो क्षेत्र है
पुराना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो थानेश्वर में ही था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नक्शा में और हमने क्या क्या दिखाया देखिए, यहां हमने दिखाया है गंगा नदी का उद्गम जो कि तिब्बत से है, और ये गंगा नदी उत्तराखंड होते हुए इस तरह से स्टूडेंट्स दक्षिण की ओर आती है और फिर ये पूरब की ओर मुड़ जाती है, जहां पे ये देखिए ये गोल बिंदु दिख रहा है वो स्थान है गंगा का दक्षिणी किनारा, जिसको हमने कन्नौज नाम से चिन्हित किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस स्थान पे कन्नौज है और इस स्थान पे थानेश्वर है। अब इन दोनों स्थानों का क्या महत्व है वो मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स। और फिर देखिए गंगा नदी जो है आगे बढ़ती है, इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये बिहार को क्रॉस करते हुए, झारखंड को टच करते हुए ये बांग्लादेश की ओर चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके ये समाप्त हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी नक्शे में आप देखिए जो हर्षवर्धन का जो उसका राज्य का क्षेत्र था, तो उसका राज्य क्षेत्र को हमने हरे रंग में दिखाया हुआ है, ग्रीन कलर में हमने दिखाया है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने दूर तक था। तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा मैप की स्टडी करनी चाहिए, मानचित्र देखना चाहिए, है ना। और इसमें आप ध्यान से देखिए तो हरियाणा वाला क्षेत्र, यहाँ पे दिल्ली वाला क्षेत्र, उसके बाद में आपका उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र, समूचा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, है ना। उसके बाद इधर आइए तो बिहार वाला क्षेत्र और बंगाल में भी कुछ क्षेत्रों तक हर्षवर्धन का साम्राज्य था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इनकी सीमा का जो दक्षिणतम बिंदु था वो नर्मदा नदी तक ही था। ठीक है, नर्मदा नदी के आगे हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार नहीं था। तो स्टूडेंट्स आपको चूंकि पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में कन्नौज के संदर्भ में, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कन्नौज के बारे में जानना है। तो कन्नौज को फोकस करने के लिए स्टूडेंट्स ये बताना बहुत जरूरी है कि हर्षवर्धन की राजधानी जो है वो कन्नौज ही थी। ठीक है, लेकिन कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी कैसे हुई उस संदर्भ में आप थोड़ा सुन लीजिए। वास्तव में हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स राजा हर्षवर्धन के जो पिता थे उनका नाम प्रभाकर वर्धन था। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन, है ना। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, दो पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, बड़े पुत्र का, और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, और उनकी एक दीदी थी, बड़ी बहन थी, उनका नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। तो राजश्री का विवाह स्टूडेंट्स कन्नौज हुआ था, कन्नौज के राजा के साथ हुआ था। ठीक है, और मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि कन्नौज में विवाह तो काफी धूमधाम से हुआ था और काफी प्रतिष्ठा की बात थी, क्योंकि कन्नौज के राजा भी उस वक्त के जो राजा थे वो काफी महान राजा जाने जाते थे। लेकिन कन्नौज के राजा की स्टूडेंट्स हत्या हो जाती है। ठीक है, कन्नौज के राजा की हत्या हो जाती है। तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स हर्षवर्धन को अपनी बड़ी बहन के कहने पर, राजश्री के कहने पर, अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट करना पड़ा था। तो स्टूडेंट्स ये आज की बात नहीं है स्टूडेंट्स, ये 1400 साल पहले की बात है, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि कन्नौज से थानेश्वर की दूरी क्या रही होगी। आप समझ जाइए कि कुरुक्षेत्र से कानपुर की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। तो अपनी राजधानी को 500 किलोमीटर दूर उन्होंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक आप समझ गए स्टूडेंट्स। तो यहां आप देखिए परिस्थितिवश, अब वही परिस्थिति थी कि उनकी दीदी के हस्बैंड यानी उनके जीजाजी की हत्या हो जाती है ना।
परिस्थितिवश उसे अपनी राजधानी, उसे यानी हर्षवर्धन को, अपनी राजधानी थानेश्वर हरियाणा से कन्नौज उत्तर प्रदेश बनानी पड़ी। स्टूडेंट्स एक बात और ख्याल करिएगा कि राजा प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र तो थे राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन के रहते हुए हर्षवर्धन कैसे राजा बन गए? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सन 605 में राज्यवर्धन की भी हत्या हो जाती है, और ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन को छोड़कर कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और अपने उत्तराधिकार धर्म का प्रयोग करते हुए वे थानेश्वर से कन्नौज आते हैं और उत्तर भारत को के एक प्रतापी राजा होते हैं। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि आज भारत में बहुत बड़े बड़े शहर हैं, कलकत्ता है, बंबई है, मद्रास है, दिल्ली है ना, बैंगलोर है, हैदराबाद है, न जाने कितने बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने कन्नौज को इतना क्यों फोकस किया हुआ है? कन्नौज, थानेश्वर, क्या ये इतने महत्वपूर्ण स्थान थे? जी हां, उस समय के हिसाब से ये स्थान उतने ही महत्वपूर्ण थे। और सच पूछिए तो कलकत्ता, बंबई जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहरों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था स्टूडेंट्स, ठीक है? उस समय इन बड़े शहरों का कोई अस्तित्व नहीं था। तो जब आप इतिहास पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो स्थान के महत्व को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? स्थान के महत्व को आप समझिए। भले ही आज थानेश्वर, आज ये जो थानेश्वर है इतना महत्वपूर्ण जगह ना भी हो, कन्नौज आज इतना महत्वपूर्ण जगह ना भी हो, लेकिन स्टूडेंट्स कन्नौज कोई सामान्य जगह नहीं है। आज भी कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और ये कानपुर शहर से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा हुआ है। तो कन्नौज आज भी है, और आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि कन्नौज और कानपुर एक है, नो, कन्नौज और कानपुर एक नहीं है, कानपुर अलग शहर है और कन्नौज अलग शहर है। स्टूडेंट्स जब आप और उच्च कक्षाओं में जाएंगे, 8वीं 9वीं 10वीं और उससे आगे भी आप इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो आप आगे और भी जानेंगे इसी स्थान को बिलोंग करते थे राजा जयचंद। किस स्थान को? कन्नौज को, ठीक है स्टूडेंट्स? तो राजा जयचंद कौन थे ये सब अभी बताना आवश्यक नहीं है, बताऊंगा आपको विस्तार से, ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है रोचक लग रहा होगा, तो चूंकि इतिहास बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोचक नहीं भी लगता है, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसमें रोचकता कैसे आए और विषय को आप कैसे गंभीरता से समझ सके। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं इसी संदर्भ में कि और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। स्टूडेंट्स आपकी समझ को विकसित करने के लिए, आप बेहतर से समझ सकें, इसके लिए मैंने और एक स्केच तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसको आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। जो हरे रंग में है, ग्रीन कलर में है, वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है स्टूडेंट्स? ये हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है? और इससे पूरब की ओर यानी दाहिनी ओर बिहार है, उसके दक्षिण में झारखंड है हमारा राज्य, ठीक है? ये झारखंड, ये बिहार, और इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद देखिए हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो भारत का एक विशेष क्षेत्र को हमने यहां पे फोकस किया हुआ है, और यहां पे आप ध्यान से देखिए यह स्थान है कन्नौज, ठीक है स्टूडेंट्स? देखिए इसको हमने फोकस किया हुआ है कन्नौज उत्तर प्रदेश, ठीक है? और यहां पे देखिए यह स्थान है जो कि हरियाणा में है, हरियाणा का एक जिला है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र जिले में या कुरुक्षेत्र में ही स्टूडेंट्स कुछ दूरी पे हर्षवर्धन की जो पुरानी राजधानी थी थानेसर, उसको लोग थानेश्वर भी कहते हैं, थानेसर भी कहते हैं, दोनों नाम प्रचलित है, देखिए हरियाणा, ठीक है? और इस दूरी को दर्शाने के लिए हमने यहां पे देखिए ये एक लकीर खींची हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब आप समझ रहे होंगे
कि हम जब राजा हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं और कन्नौज की बात कर रहे हैं तो हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्षेत्र को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको मूल रूप से हर्षवर्धन के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसको आपको जानना जरूरी है। हर्षवर्धन काल के बारे में तो आपको जानना ही है, लेकिन इस चैप्टर नंबर 2 में आपको मूल रूप से हर्षवर्धन के पश्चात जो कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो आप देखिए 7वीं सदी में, स्टूडेंट 7वीं सदी का मतलब होता है 601 से लेकर के 700 ईस्वी तक का समय, यानी कि 100 साल का समय है ना। तो 7वीं सदी में 606 से 647 कुल 41 वर्ष संपूर्ण उत्तर भारत में महान सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। तो अभी अभी हमने बताया स्टूडेंट्स आपको हर्षवर्धन के बारे में। अब चलिए आप इस जानकारी से भी परिपक्व हो गए कि हर्षवर्धन का जो शासन है वो 606 से लेके 647 तक था और ये 41 ईयर तक का शासन था। ठीक है, अब आगे देखिए, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर की जगह कन्नौज को बनाई, ये सब बातें मैं बता चुका हूं आपको। कवि वाणभट्ट रचित संस्कृत ग्रंथ हर्षचरितम से हमें उस समय के इतिहास का पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां एक नाम आया, इस नाम को जानना स्टूडेंट्स आपको जरूरी है, कवि वाणभट्ट है ना। तो कवि वाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी राजा हर्षवर्धन के ऊपर जिसका नाम था हर्षचरितम। तो हर्षचरितम के माध्यम से हम लोग उस समय के इतिहास को काफी कुछ जानने में सफल हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए हर्षचरितम के बारे में भी हम चर्चा कर लें। ये पूर्ण रूपेण संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसके लेखक हैं या कवि कहें तो वाणभट्ट हैं। ठीक है, हर्षचरितम संस्कृत में वाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक कथानक यानी कि इतिहास से जुड़ा हुआ जो कथानक है उस संदर्भ में यदि हम देखें तो हर्षचरितम एक प्राचीन पुस्तक, प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस समय हर्षवर्धन का शासन था उसी समय चीन से एक यात्री आए थे, उनका नाम था ह्वेनसांग। क्या नाम था? ह्वेनसांग है ना। तो ह्वेनसांग जो है वे चाइनीज ट्रैवलर थे, चाइनीज ट्रैवलर थे और इनका जो आने का जो समय है वो हर्षवर्धन का काल ही है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहां वे लंबे समय तक रहे और यहां आकर वे नालंदा विश्वविद्यालय भी गए, वहां उन्होंने बौद्ध धर्म के संदर्भ में काफी कुछ अध्ययन भी किया और लंबे समय तक ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में भी रहे। और यहां से जाने के बाद स्टूडेंट्स इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक स्टूडेंट्स आज भी उपलब्ध है। उस पुस्तक का नाम है सी यू की। क्या नाम है स्टूडेंट्स? सी यू की, जिसको हम लोग हिंदी में यदि ट्रांसलेट करेंगे तो उसका अर्थ होगा पश्चिम की यात्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जब आप हर्षवर्धन के संदर्भ में इतनी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं तो कुछ और बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं, हर्षवर्धन स्टूडेंट्स खुद एक नाटककार थे और एक कवि भी थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने जो पुस्तकें लिखी स्टूडेंट्स उसमें 3 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। एक का नाम है नागानंद जो कि संस्कृत में है, दूसरी रत्नावली वह भी संस्कृत में है और तीसरी जो है प्रियदर्शिका वो भी संस्कृत में है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जानकारी के क्रम में चलिए हम लोग थोड़ा नालंदा महाविहार के बारे में भी जान लें।
तो नालंदा महाविहार जो है वो पटना शहर से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। और आपने स्टूडेंट्स राजगीर का नाम सुना होगा, राजगीर से मात्र 12 किलोमीटर उत्तर में नालंदा महाविहार है, ठीक है। तो नालंदा महाविहार की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये जान लीजिए, वास्तव में हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, ठीक है। हर्षवर्धन का काल इतना इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स कि उस समय क्या नहीं था, देखिए विदेश से यात्री आए, उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसके माध्यम से भी हमें उस समय के इतिहास का पता चलता है, और सबसे बड़ा जो साक्ष्य है उस युग के बारे में जानने का एक धरोहर के रूप में स्टूडेंट्स हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर आज भी मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए देख लीजिए इसमें और हमने क्या कुछ दर्ज किया हुआ है। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन गौरव की गाथा का अंदाज करा देते हैं। तो स्टूडेंट्स एक नाम आ रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय तो स्टूडेंट्स एक खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन बावजूद उसके उसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसकी ऐतिहासिक महत्ता को समझते हुए एक अंग्रेज विद्वान, एक अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके द्वारा उसकी ना सिर्फ खोज की गई बल्कि उसके महत्व से भी इस जगत को इस विश्व को परिचित कराया गया। तो ये सारी बातें जो हैं हर्षवर्धन काल से जुड़ी हुई है, तो इसका ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के संदर्भ में जो कुछ मैंने आपको बताया उसे क्रमवार में आगे भी बताऊंगा, दूसरे तीसरे चौथे वीडियो के माध्यम से। तो चैप्टर नंबर 2 का स्टूडेंट्स ये पहला वीडियो था, और इसमें मुख्य रूप से मैंने जिन बातों को फोकस किया उसे फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। राजा हर्षवर्धन के बारे में आप जाने, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज को भी आपने जान लिया, राजा हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था उसके बारे में उससे भी मैंने आपको परिचित कराया, और इसके बाद स्टूडेंट्स हर्षवर्धन के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई या हर्षवर्धन के जो राज कवि थे बाण भट्ट, उनके द्वारा जो लिखी हुई रचना हर्षचरितम है उसके बारे में भी मैंने स्टूडेंट्स आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स इन बातों को आप जरूर क्लास 7 के स्टूडेंट्स के हिसाब से इतनी बातों का अध्ययन कर लेने के पश्चात इस चैप्टर को आगे बताने में मुझे बहुत सहूलियत होगी और आपको भी इस चैप्टर को समझना आसान होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।